मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में शदीद सर्दी, वीकेंड पर वार्मिंग सेंटर भर गए। मौजूदा हफ्ते शदीद सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान। वोकला का वार्मिंग सेंटर पूरे मौसम में सरमा खोले रखने का मुतालबा। कैनेडियन ऐवान की अखलाकियात कमेटी का वजीर आजम के जमैका दौरे पर तबादला ख्याल करने का फैसला। कंजर्वेटिव रहनुमा ने ट्रूडो के अमल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पीएमओ ने कहा कि ट्रूडो और उनकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बगैर किसी कीमत के रहे। टोरंटो शहर में 45 पहाड़ियों पर टोबोगिंग पर पाबंदी आए। टोबोगिंग पर पाबंदी से शहरी मायूस। शहरी हुकाम का कहना है कि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। अमरीका में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हादसात में 9 अफराद हलाक। 10,000 परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। रियासत फ्लोरिडा में 4 फीट तक बर्फबारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो सिटी का कहना है कि इसके 4 वार्मिंग सेंटर्स इस वीकेंड पर भरे हुए थे क्योंकि दर्जा हरारत -12 सेंटीग्रेड तक गिर गया था। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी का कहना है कि उसके 4 वार्मिंग सेंटर्स इस वीकेंड पर भरे हुए थे क्योंकि दर्जा हरारत -12 सेंटीग्रेड तक गिर गया था। हुकाम का कहना है कि टोरंटो भर में वार्मिंग सेंटर्स पिछले हफ्ते खोले गए ताकि उन लोगों को आराम करने के लिए एक महफूज गर्म जगह और नाश्ते तक रसाई फराहम की जा सके जो शायद बेघर होने का सामना कर रहे हों। हुकाम का कहना है कि चारों वार्मिंग सेंटर्स जो शहर के मरकज में वाक़े हैं, नॉर्थ यार्क और स्कारब्रो में पूरे हफ्ते के आखिर में भरे हुए थे। टोरंटो के 4 वार्मिंग मराकज़ में 180 से कम अफराद की मुश्तरका गुंजाइश है और शहर ने ये नहीं कहा है कि आया ये मजीद जगहें खोलेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते शहर का मौसम शदीद सर्द रहेगा। मंगल को तूफानी हवा और -8 सेंटीग्रेड के करीब दर्जा हरारत की पेशगोई की गई है। हफ्ते के बाकी हिस्सों में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड के निशान के इर्द गिर्द मंडलाता रहेगा। दिन के वक्त हवा कदरे गर्म और रात को सर्द महसूस होगी। वोकला शहरी हुकूमत से गर्मी के मराकज को तमाम मौसम सरमा में खुला रखने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेघर लोगों को हकीकी खतरे का सामना है क्योंकि दर्जा हरारत अंजुमात से नीचे रहता है। कैनेडियन ऐवान की अखलाकियात कमेटी के अरकान पार्लियामेंट इस बात पर बहस करने जा रहे हैं कि आया वजीर आजम की जमैका की हालिया तातीलात की तहकीकात शुरू की जाए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन ऐवान की अखलाकियात कमेटी के अरकान पार्लियामेंट इस बात पर बहस करने जा रहे हैं कि आया वजीर आजम की जमैका की हालिया तातीलात की तहकीकात शुरू की जाए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनके अहले खाना ने जमैका में छुट्टियां गुजारी। पीएमओ ने कहा खानदान बगैर किसी कीमत के खानदानी दोस्तों के साथ रहा है। पीएमओ ने यह नहीं बताया कि ट्रूडो खानदान इस हालिया दौरे पर कहाँ ठहरा है, लेकिन वो माजी में जमैका में छुट्टियाँ गुजारने के दौरान देरीना खानदानी दोस्त पीटर ग्रीन की मिल्कियत वाली लग्जरी इस्टेट में ठहरे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स इस वक्त मौसम सरमा की तातीलात पर हैं, लेकिन अखलाकियात कमेटी के कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबिको एमपीज ने मीटिंग से दरख्वास्त की कि आया ट्रूडो ने अखलाकियात के किसी उसूल को तोड़ा। कदामत पसंद अखलाकियात के नकाद माइकल बैरेट ने एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा यह नाकाबिल यकीन हद तक अहम है कि हम इस मसले के बारे में सच्चाई हासिल करें। बैरेट ने कहा कि तातील को तजारती कीमत के साथ तोहफा समझा जाना चाहिए।
ग्रीन प्रोस्पेक्ट स्टेट छुट्टियों के मौसम में एक रात में 1100 और 7000 के दरमियान विला किराए पर देता है। ये नाकाबिल कबूल है कि वजीर आजम खुद को इस तरह से चला रहे हैं। पीएमओ ने कहा है कि अखलाकियात कमिश्नर से सफर से पहले इन तफसीलात पर मशवरा किया गया था ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कवायद की पैरवी की गई है। अखलाकियात कमिश्नर के दफ्तर ने ये नहीं बताया कि पीएमओ ने क्या तफसीलात फराहम की हैं, लेकिन ये कहा है के मफादात के तसादम का एक्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये इजाज़त देता है कि अगर वो किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से तोहफे या दीगर फवायद उन्हें जाहिर किए बगैर कबूल कर सकते हैं। टोरंटो शहर में 45 पहाड़ियों पर टोबेगिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर शहरियों की जानिब से मायूसी का इजहार किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर में 45 पहाड़ियों पर टोबेगिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर शहरियों की जानिब से मायूसी का इजहार किया गया है। कनाडा का शहर टोरंटो ने गैर महफूज हालात का हवाला देते हुए शहर भर की 45 पहाड़ियों पर टोबोगिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। शहरी इंतजामिया ने कहा कि कुछ पहाड़ियों को गैर महफूज समझा जाता है क्योंकि उनके पास तरफ गढ़े, फुटपाथ और बाढ़ जैसी रुकावटें हैं और ढलान के ऊपर से नीचे तक कोई वाज़ेह रास्ता नहीं है। बयान में कहा गया है कि शहर अपनी जायदादों को यकीनी बनाने का जिम्मेदार है और उसकी जायदादों पर की जाने वाली कोई भी सरगर्मी मुनासिब तौर पर महफूज है। शहरी इंतजामिया ने रिहायशियों को याद दिलाने के लिए एक निशान लगाया कि टोरंटो के क्रिस्टी पिट्स पार्क में टोबोगिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। 2017 में शहर ने टोबोगिंग पहाड़ी मुआयना प्रोग्राम अपनाया, तब से हुक्काम मुसलसल हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मकबूल टोबोगिंग साइट्स का सर्वे कर रहे हैं। पीर की सूख टोबोगिंग पहाड़ी के बंद होने की निशानदही करने वाली चार निशानियों में से दो को जमीन से उखाड़ दिया गया था। शहर की तर्जुमान लिंडसे ब्रॉडहेड ने कहा है कि टोरंटो अपनी जायदादों को यकीनी बनाने का जिम्मेदार है और उसकी जायदादों पर की जाने वाली कोई भी सरगर्मी माकूल हद तक महफूज है। ब्रॉडहेड ने कहा कि ईस्ट लैंड पार्क को साइट पर कई मुस्तकिल रुकावटों और हिफाजती खतरात की वजह से गैर महफूज समझा जाता है, जिनमें सीढ़ियाँ, वेडिंग पोल, फील्ड हाउस बिल्डिंग, रोशनी के खंभे और दरख्त शामिल हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इस साल घास की गांठें और बाड़ क्यों नहीं लगाई गई, ब्रॉडहेड ने कहा कि वो काम नहीं कर रहे थे। ब्रॉडहेड ने कहा कि वो 29 पहाड़ियों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जहां शहर में टोबोगिंग की इजाज़त है, पहाड़ियों की एक मुकम्मल फहरिस्त जो शहर के लिहाज से महफूज समझी जाती है। अमेरिका की बेशतर रियासतों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की बेशतर रियासतों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मुख्तलिफ हवाई अड्डों से दाखिली और बैरून ममालिक तकरीबन 20,000 परवाजें मनसूख या ताखिर का शिकार हो चुकी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मॉन्टाना, ऑरेगन और यूटा समेत अमरीका के शुमाली मशरकी रियासतों में दर्जा हरारत मामूल से 20 से 40 डिग्री कम हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ हवाओं के झक्कड़ और बर्फबारी का सामना करने वाली रियासत ऑरेगन में 4 अमवात हुई, जहां 90,000 शहरी बिजली से महरूमी का सामना कर रहे हैं। पिछले 3 रोज में मनसूख या अल्तवा का शिकार परवाजों की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। अमेरिका की बाज रियासतों में दर्जा हरारत मामूल से बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसके बायस अमेरिका के 80% शहरी नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्जा हरारत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। रियासत फ्लोरिडा के बाज हिस्सों में भी दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिरने की पेशगोई की गई है। रियासत यूटा में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। रियासत में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। रियासत मॉन्टाना में सर्द हवाओं के सबब दर्ज हरारत -40 तक गिर गया, जबकि रियासत टेक्सास में जहां सन 2021 में तूफान के सबब 246 अफराद हलाक हुए थे, शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें ताकि सप्लाई बरकरार रहे। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।